दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय यूनिक इंडिया नेचर में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और जो आज हम बताने जा रहे हैं उससे आपके स्वास्थ्य में और भी इजाफा होने वाला है। आज हम आपको एक ऐसे दुर्लभ पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको खाने से आपके पेट में वर्षों से पल रही पथरी यूं ही निकल जाएगी। प्राचीन काल से ही मनुष्य पेड़ पौधों से ही चिकित्सा तो करते थे, अब जानकारी के अभाव में लोग इस पौधे को नहीं जानते हैं। इस पौधे का नाम है पत्थरचट्टा। आपने सही सुना, इस पौधे का नाम है पत्थरचट्टा। आप इसे गूगल से भी सर्च कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी पा सकते हैं। जैसा कि यह अपने नाम से ही स्वभाव गुण धर्म को बता रहा है, पत्थर तक को छिटका देने वाला यह पत्थरचट्टा बहुत उपयोगी है। यह रोग को दबाता नहीं है बल्कि उखाड़ फेंकता है। यूं तो जीवन में संवर्धक औषधियां यह हमारे आसपास खेत और जंगल में बहुतायत उपलब्ध हैं, लेकिन इन्हें गमलों में भी लगा सकते हैं। इससे पाषाण भेद पत्थर चूर भी कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार तो इससे अन्य औषधि गुण भी होते हैं। यह किडनी में पथरी की समस्या को तो जड़ से ही खत्म करने में कारगर है। यह बवासीर की समस्या से भी निजात दिलाता है। यह बात पित्त कफ जैसे दोषों का भी समन करता है। पत्थरचट्टा पेट फूलने, अल्सर घाव तक को ठीक करने में, रक्त को शुद्ध करने में भी मदद करता है। यह स्वाद में खट्टा कसैला होता है। रोज सुबह 2-4 पत्तियों को यूं ही चबा जाइए, 10 दिनों में यह अपने रोग को पकड़कर ठीक करने लगता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? पत्थरचट्टा की पहचान भी तो करना जरूरी है, क्योंकि पत्थरचट्टा जैसा ही एक अजूबा का भी पौधा आता है। यह पौधा जो है यह खोखले डंठल वाला, जिसकी डंडी जो होती है लाल होती है और पौधे की जो पत्तियां हैं वो हरी होती हैं। पत्ते थोड़े मोटे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं, पास में नहीं होते हैं। इसके पत्ते दूरी पर होते हैं। इसके पत्तों में हल्का नमक भी होता है। इसकी चाहे तो सब्जी भी बना लीजिए। आपको यदि यह पौधा चाहिए, जैसे आपको नर्सरी में नहीं मिल रहा है या किसी भी प्रकार से आपके लिए दुर्लभ है, तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उस नंबर पर मैसेज कीजिए और इस पौधे का नाम लिखिए। यह कोरियर द्वारा आपके घर तक उचित दामों में पहुंचा दिया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर आप जरूर करेंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहने वाली हूँ कि आप लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो अपनी इस साथी की हेल्प करनी होगी। आप मुझे आगे बढ़ाएंगे तो मैं इस तरह की जानकारियाँ लाती रहूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।